ये है फ्री फायर इंडिया जो कि फाइनली लॉन्च हो गया है इतना वेट के बाद। एंड पीछे आप लोग इंडिया गेट भी देख सकते हो एंड उसके पीछे हमारा इंडियन फ्लैग भी है एंड इधर साइड में FFIV लिखा हुआ है, मतलब फ्री फायर इंडिया। एंड ये कैरेक्टर्स में देखो, अज्जू भाई का कैरेक्टर है, मिस्टर बीस्ट का कैरेक्टर है एंड MS धोनी का भी कैरेक्टर है और साथ में यहाँ पे ओल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड भी है, तो आप भी इसे खेल सकते हो। कहाँ से खेलोगे, कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बता दूंगा, बस वीडियो को पूरा देखते रहना। तो सबसे पहले गेम ओपन करते ही हमको यहाँ पे लॉबी देखने के लिए मिलता है एंड इसका डिटेल तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, इसीलिए हम सीधा चलते हैं स्टोर पे एंड सबसे पहले हमको कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलता है। तो भाई जहाँ पे बहुत सारे फ्री फायर के फेमस यूट्यूबर्स भी है एंड साथ ही में भाई दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर भी है, मतलब आप लोग खुद देखो, यहाँ पे अज्जू भाई का कैरेक्टर है, मिस्टर बीस्ट का कैरेक्टर है और साथ में MS धोनी सर का भी कैरेक्टर है, अमित भाई का कैरेक्टर है, नयन भाई का कैरेक्टर है, टोंडे गेमर का भी कैरेक्टर है एंड DJ आलोक, दिमित्री एंड थीवा भी है। एंड अब देखते हैं इसका क्लोथ्स पे, तो भाई इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा हिप हॉप बंडल और भाई सारे ही क्रिमिनल बंडल, मतलब जितने भी क्रिमिनल बंडल है वो सारे ही है, मतलब डायमंड देख सकते हो 50 डायमंड 80 डायमंड में मिल रहे हैं भाई। फिर लूट बॉक्स में इतना कुछ खास तो नहीं है एंड ग्लूअल में आप लोगों को 4 ही ग्लूअल का स्किन देखने के लिए मिलेगा जिसमें से मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। एंड ये क्या भाई, वेपन में तो कुछ आया ही नहीं अभी तक एंड वर्ल्ड में यहाँ पे ड्रेसेस देखो भाई, वर्ल्ड में भी कुछ ड्रेसेस नहीं है, लेकिन अवतार में आप लोगों को बहुत सारे अवतार देखने के लिए मिलेगा एंड यहाँ तक कि भाई रेयर अवतार भी है, मतलब आप लोग देख सकते हैं दो जो ईगल वाला अवतार दिख रहा होगा आप लोगों को, ये भाई बहुत ज्यादा रेयर है। लिटरली मैं आपको बता दूं, ये ईगल वाला तो भाई सीजन 1 का है, ठीक है, पहला वाला ईगल एंड दूसरा जो भाई गोल्डन कलर का ईगल है ये तो भाई आप लोगों ने देखा होगा राइस्टर को यूज करते हुए, ठीक है, एंड यस ये दोनों ही काफी ज्यादा रेयर है। लेकिन यहाँ पे गेम मोड में नजर डालते हैं, गेम मोड में तो भाई 3 ही बस मोड है। पहला है बैटल रॉयल, मतलब भाई बैटल रॉयल होना चाहिए, ये स्पेलिंग ही गलत है भाई पहले में ही, और वैसे भी भाई इसको तो खेल ही नहीं सकते। एंड साथ में यहाँ पे क्लैश स्क्वाड है एंड ट्रेनिंग मोड भी है। तो सबसे पहले भाई हम ट्रेनिंग ग्राउंड मोड स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे सब कुछ सही है, लेकिन एक चीज यहाँ पे भाई मुझे मिसिंग दिखाई दी एंड ये है भाई रन वाला बटन, मतलब रन वाला बटन है ही नहीं एंड इसमें जब ये भाई गन पकड़ रहा है वुडपिकर गन, आप लोग देखो भाई वुडपिकर ज्यादा बड़ा लग रहा है भाई इस कैरेक्टर से। लेकिन ये ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने के बाद में बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया भाई, क्योंकि ये सारी पुरानी यादें जो है ताजा हो गया था मेरा एंड वही पुरानी चीजें, वही पुरानी जगह, मतलब आप लोग देख सकते हो भाई सब कुछ पुराने पुराने चीजें भाई, मतलब नजर आ रहा है मेरे को तो भाई पूरा ऐसा नॉस्टैल्जिया फील हुआ, क्योंकि मेरे को सारे पुराने चीजें याद आ रहा था भाई ये ट्रेनिंग ग्राउंड देख करके। और जब मैं यहाँ पे भाई ऊपर जाके देख रहा था ट्रेनिंग ग्राउंड को अच्छे से, मेरे को यहाँ पे एक और चीज याद आया कि कैसे हम लोग लाइक बढ़ाने आते थे भाई, यहाँ पे ग्लिच का यूज करके लाइक बढ़ाते थे, मतलब ये सारी पुरानी चीजें मुझे अभी याद आ रहा भाई। ये ट्रेनिंग ग्राउंड आपको पूरा ओल्ड डेज वाला भाई रिमाइंड कर देगा एंड उसके बाद ही भाई आप लोगों को एक और मोड देखने के लिए मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया क्लैश स्क्वाड मोड भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसको भी जब मैं खेला तो भाई बहुत ज्यादा खतरनाक ही सीन हो गया, मतलब भाई आप लोगों में क्या बताऊं, यहाँ पे जमीन के अंदर घुस गया मेरा कैरेक्टर, ठीक है, ऐसा ग्लिच भाई मैंने नहीं देखा था, मतलब ये खतरनाक ही ग्लिच हो गया। और एनिमी को मारते मारते भाई जैसे ही गन रिलोड पे जा रहा है ये कैरेक्टर खुद ब खुद अटक जाता है, फिर उसके बाद भाई मतलब बवार ही देते हैं, ठीक है, एंड डैमेज पड़ने वाला सीन तो अलग ही है, मतलब खतरनाक ही पड़ता है। एंड बाकी सब तो मुझे ठीक ठाक ही लगा, लेकिन एक चीज मेरे को और भी ज्यादा यूनिक लगा, ये कि भाई इसके बैठने के मारने वाला स्टाइल, मतलब हमारे फ्री फायर में कैसे होते भाई बैठने वाला, यहाँ पे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे देखो भाई ये कैरेक्टर कैसे बैठ रहा है एंड किस तरीके से भाई ये बैठ के मार रहा है, एंड मैं आपको बता दूं भाई इसे देखकर सच बताना, ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ये लोटा लेके बैठ रहा है, मतलब इसका अलग ही है भाई बैठने का स्टाइल। और यही नहीं भाई, मुझे एक और चीज इसका बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा कि इसका ग्लूअल, इसका ग्लूअल तो और भी ज्यादा खतरनाक है भाई, जब आप लोग इसका ग्लूअल को लगाओगे मतलब इतना दूर भी लगता है, मुझे पता नहीं था ग्लूअल आप लोग भाई जोन के अंदर रह के जोन के बाहर ग्लूअल को लगा सकते हो, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, एंड मतलब जोन के बाहर लगा के उसको फोड़ भी सकते हो गोली मार करके, ठीक है, इतना ज्यादा मतलब दूर भाई लग सकता है ग्लूअल, मुझे नहीं पता था यार। एंड आपको एक और चीज बता दूं भाई ये फ्री फायर इंडिया का, कि ये कोई गरीना वालों ने नहीं बनाया है इस गेम को, ठीक है, बल्कि भाई ये फ्री फायर इंडिया को आप और मेरी तरह एक नॉर्मल बंदा ही बनाया है, मतलब ये गेम भाई कोई कंपनी ने नहीं बनाया, एक नॉर्मल सा बंदा नहीं बनाया, जस्ट फॉर फन पर्पस के लिए, एंड उसका नाम है भाई गेम देवराज, ठीक है, इन्होंने बनाया था। एंड इसीलिए जब आप लोग भाई गेम को लॉगिन करोगे तो आप लोगों को 60 डायमंड मिलेगा, ठीक है, इनके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एंड फॉलो करने के लिए भाई आप लोगों को 60 डायमंड मिलेगा। एंड अब फ्री डायमंड का बात हो ही गया है तो भाई लगे हाथ में आपको आपके फायदे की बात भी बता देता हूँ, जिसकी मदद से आपको फ्री में 1000 का फ्री डायमंड मिलेगा एंड इसे क्लेम
क्लेम करने के लिए जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ भाई वैसे वैसे मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है। एंड अगर आप इस ट्रिक को अच्छे से फॉलो करते हो देन भाई जरूर से आपको जो है यहाँ पे 1000 तक का फ्री डायमंड मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद आप लोग कुछ इस तरीके से पेज में आ जाओगे जहाँ पे आपको खुद MS धोनी सर वेलकम करेगा। अभी आपको मैं बता दूं भाई MS धोनी सर खुद ब्रांड एम्बेसडर है फ्री फायर इंडिया का, तो भाई ये ऐप कितना ज्यादा ट्रस्टेड है ये तो आपको पता लग ही गया होगा। एंड अब इसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है एंड ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। अभी लैंग्वेज को इंग्लिश सेलेक्ट करके कंटिन्यू विद इंग्लिश कर देना। अभी आते हैं सबसे मेन पॉइंट, आपको अभी ऐसे नंबर से रजिस्टर करना है जो आपने आज तक विंडो में यूज नहीं किया हो, क्योंकि भाई विंडो बहुत ज्यादा फेमस है, इसीलिए हो सकता है आपने गलती से कभी ना कभी कर लिया हो, तो इसीलिए भाई ऐसा नंबर से रजिस्टर करना जो आपने नहीं किया हो आज तक, तभी ये ट्रिक काम करेगा एंड आप लोगों को 1000 का फ्री डायमंड मिलेगा। तो नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर देना है, उसके बाद OTP आएगा एंड आप इसे एंटर कर देना। अभी भी आपको एक और चीज करना है कि आपको यहाँ पे जाना है भाई विंडो मेनिया पे एंड यहाँ से कोई भी गेम आपको खेल लेना है, फर्क नहीं पड़ता कोई भी गेम खेलो, जैसे कि मैं फ्रूट काटने वाला गेम खेलता हूँ, हारो या जीते फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको आपके पैसे यहाँ पे वॉलेट में दिखने लगेंगे। अभी देखो यहाँ पे एक और चीज है, ये थोड़ा आपके लक पे भी डिपेंड करेगा, जैसे कि अगर आपका बहुत ज्यादा लक अच्छा हुआ तो आपको 800 रुपए से भी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं एंड अगर आपका लक थोड़ा सा खराब हुआ देन आपको 150 रुपए, 125 रुपए, 600 रुपए या फिर 200-300 रुपए भी मिल सकते हैं, लेकिन पैसे मिलेंगे जरूर भाई, ऐसा नहीं कि पैसे कुछ भी नहीं मिलेंगे, पैसे मिलेंगे जरूर, थोड़ा सा लक पे भी डिपेंड करेगा। एंड जो पैसे मिलेंगे उससे भाई गूगल रिडीम कोड खरीद के फ्री फायर में डायमंड्स खरीद लेना एंड साथ ही में विंडो में 100 से भी ज्यादा गेम्स है जो कि खेल कर आप लोग पैसे कमा सकते हो, फ्री एंट्री करके टीम चूज करके भी पैसे कमा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कमा के रखा है आप लोग देख सकते हो। तो यस नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, कमेंट पिन में मैं दे दूंगा, जाओ अभी 1000 डायमंड आप लोग फ्री में क्लेम कर लो। है ना, बाकी सब कुछ गेम जो है ये ठीक ठाक है, मतलब देखो भाई इसको नॉर्मल बंदे ने बनाया है तो ऑब्वियसली तुम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये गेम बहुत ज्यादा एडवांस होगा, जैसे फ्री फायर मतलब बनाएगा वैसे ही होगा, ऑब्वियसली भाई वैसे तो नहीं होगा कभी, लेकिन फिर भी मतलब ये बहुत ठीक ठाक बनाया है बंदे ने, ठीक है। कोई भी गेम का बीटा टेस्टिंग होता है भाई, उसी तरीके से ये है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है इस गेम को एंड आप लोगों को कैसा लगा बताना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है एंड कैसे आप भी खेल सकते हो। तो सबसे पहले तो आप लोगों को भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, ठीक है, इस वेबसाइट का, आपको इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद दोबारा आप लोगों को इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पे आपको नीचे डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना है एंड फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे डाउनलोड दिख रहा होगा भाई, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं भाई, ये अपने रिक्स पे ही करना, मतलब मैं तो आप लोगों को दिखाने के लिए कोई अलग ही फोन यूज किया जिसमें कुछ भी डेटा वगैरह नहीं है मेरा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को एक ही फोन है तो भाई मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोग उस फोन में यूज करो भाई, ऐसा फोन में यूज करना जो फोन बेकार पड़ा हुआ जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस फन पर्पज के लिए यूज करना, वैसे भी कहां खेलने वाले हो भाई इस गेम को, क्योंकि देखो भाई रिक्स आ जाता है इसलिए मैं आपको बता दिया। एंड डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है भाई सिंपली एंड उसके बाद ये ओपन हो जाएगा गेम। एंड बाकी यस गाइस वीडियो आपको लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आता रहता हूं भाई, नए नए चीजें जो भी फ्री फायर के अंदर होता रहता है, ठीक है, सब कुछ। तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि हम लोग भाई जब भी वीडियो लाए आप लोगों को नोटिफिकेशन चले जाए। यस गाइस मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल।